लगा उसी का निपा लगा कैमरा पकड़ी मास्टर उधर उधर चाचू है ये तो अभी टिकट देता है गोलूल मत करो जब हम नहीं बोलेंगे तब नहीं अच्छा ठीक है फिर तुम तो जो कोरा दिन तुम टोपी हो गया ऐसा पुरुष ये आपने बढ़िया काफी अच्छी बात बोली मरा बाबू की महान मुकाबला इसमें चलता हुआ जबरदस्त प्रहार किया गया था लेकिन काफी ऊंचाई से होती हुई चली गई गोल्डन से बाहर कोई खतरा नहीं एलएसी मोदी को जो प्रेसिडेंट चुने इस समय आमने सामने एलएसी मोदी बनाम मतदाता से
संधि बसंत के लिए। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं बसंत। फिर से यहां पर इसका सफलता, क्या गजब का यहां पर तेज तरह प्रहार, नीचे रहती बॉल को पकड़ने का प्रयास गोलकीपर के द्वारा, लेकिन रूप के हाथों को छूती हुई पीछे की ओर चली गई और खिलाड़ी मौजूद जस का नाम आने से एक महान क्रिकेटर का नाम भी जहन में आता है, दिल में आता है, सचिन तेंदुलकर। क्या गजब के खिलाड़ी थे और भारत के खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने भारत की ओर से खेलते हुए काफी रन बटोरे हैं। बहुत बड़ी इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है। सचिन को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। इस समय अपने टीम के लिए सचिन सरदार एक टीम को नया पार लगाते हुए पुनः इस बार बसंत के लिए, बसंत फिर से सचिन के लिए यहाँ पर दिशा चेंज करते हुए और फिर से यहाँ पर अच्छा डिग्री के साथ आगे बढ़ते हुए सचिन। और क्या यहाँ 8 नंबर अलग अलग जगह लेकिन सही सोचने के अंदर क्योंकि गिर रहे थे। यहाँ पर चल रहे थे एस मोदी, इस बार अटैक करने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर तैनात उनको भेज नहीं पाए और बॉल को रोकने में सफल, बॉल आगे की ओर बढ़ते हुए 5 नंबर सबसे पसंद अपने कब्जे में लेने के बाद, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी यहाँ जूडी पांड्रा को बीट नहीं कर पाए। बहुत ही सीनियर खिलाड़ी एन एस सी मोदी के दूरी वाला संदीप के पैरों में बहुत ही अच्छा यहाँ मौका हो सकता है फिर से। और यहाँ अच्छा मैंने था लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथों में आंखों के साथ सुनाने के लिए लिया है गुरु जी। और इससे पहले से बाद ग्रुप बी से रॉ ब्रदर्स और रंगला बॉयज बहुत पूरी तरह से रेडी पर रहेंगे। मुकाबला खेलने के लिए ग्रुप बी से इस सदी में से बात ही राम बदस और रंगला बॉय और कल मुर्गापाड़ा डिंगल के रूप में हारने वाले को काफी और जीतने वाले को काफी दिया जाएगा।
कल के दिन आम आदमी आबादी से सफल सफल डांस प्रोग्राम निःशुल्क तमाम बच्चों का आप लोग आनंद ले सकते हैं। मैच भी होगी और डांस भी होगी। कल के दिन आप लोग जरूर आइएगा। और समय में मैडम के सीरीज ग्रुप सी से क्वार्टर फाइनल मुकाबला आते वाते समय है और इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक गोल की तरफ पर आगे है मात्र लगभग और एमएससी मोदी एक सिर से पीछे समय बचा हुआ है कुछ समय शेष अपने टीम को एक्सिट करने के लिए एमएससी मोदी और दो टीम लाइन अप हो जाएंगे ग्रुप डी से रॉ ब्रदर्स और रॉयल बॉयज और अंतिम मैच रहेगा। इस अंतिम मैच के बाद जो मैच होगा वही आज का अंतिम मैच रहेगा। उस टीम को भी आज ही पुरस्कार से सम्मानित करेंगे रंगला स्टार्टिंग लॉस्टर का भी प्रभाव और चलिए दो टीम लाइनअप हो जाएंगे राव ब्रदर्स और रंगला बॉयज और इस मुकाबले में मात्रा आप लोग क्लब टीम मारुवर्स क्लब एक सौ तरफ बना चुकी है और सवाल ये बनता है और बना हुआ है मैच प्राप्त नहीं हुआ है और इस मुकाबले में जीतेंगे कौन सा टीम। इस सवाल के साथ आपने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो कह पाना तो मुश्किल है लेकिन एक जीरो की बढ़त जो है मतगणना के पास हम हमेशा से कहते आए हैं कि एक जीरो की बढ़त कोई बड़ी बढ़त नहीं कभी भी मैच बराबर पर आ सकता है लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन हो पर टीम बराबर पर आएगी। और यहाँ पर अच्छा खासा मौका गवा चुके हैं और यहाँ से क्रोश डालने की जरूरत थी और चलिए सरोज ने आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया है कि पापा कहाँ भाई के पोटी क्लास टाइम टेबल है हम मद्रासा सेलेक्ट करना चाहेंगे पोटी क्लास कैटेगरी टीम आप लोग सुन लेंगे
बादल पांचाल बनाम कुर्सी पांचाल के बीच में पहला मुकाबला खिलाया जाए कल डांस पढ़ने से लेकर आपको मैच खेलना होगा दस बजे तक, यानी कि दस बजे से मैच शुरुआत किया जाए कल 40+ कैटेगरी।